कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राठौर ने जगह जगह जाकर औचक निरीक्षण किया। सरकार के कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर मंगलवार जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ दौरा कर ट्रैफिक जाम, जल भराव और अतिक्रमण सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान के विषय में चर्चा करने पहुंचे। राजेंद्र राठौर कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जनता को जल भराव जाम से जून 2024 तक मुक्त कर दिया जाएगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए और जो सड़कों का जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको हम दुरुस्त करने के लिए आज ये दौरा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है झोटवाड़ा का, जहां पर आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। झोटवाड़ा के इस क्षेत्र से जयपुर जाने के लिए जो अंडरपासेस हैं वो एक बॉटलनेक बन गए हैं। सारी आबादी को, सारी गाड़ियों को वहीं इकट्ठा होना पड़ता है। तो आप सोचिए कि ये अंडरपास चौड़ा करना पड़ेगा, इसके अंदर व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम ना हो। हर बारिश में यहाँ पर पानी भर जाता है, तालाब बन जाता है। तो हम बारिश का अब इंतजार नहीं कर रहे, हमें पता है यहाँ पानी भरता है, इसीलिए अभी काम हो रहा है। ड्रेनेज, इसमें एनएचआई के अधिकारी हैं, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं, जेडीए के अधिकारी हैं और नगर निगम के अधिकारी हैं। इसमें आपके माध्यम से मैं आम जनता से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका भी सहयोग चाहिए। अभी हम सभी अंडर पासिस के अंदर पूरी सर्विस लेन दोबारा लगेगी, उसके अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको सुधारा जाएगा, मॉडर्न ड्रेनेज।